अमरेश्वर एआईए प्रमुख तरीके जसुभाई चौधरीए पदभार संभाळ्यो हतो। विधि विधान साथे पद ग्रहण करी नोटिफाइड विस्तार अने उद्योगनो कनगट प्रश्नोने निवारण एज अमारी प्राथमिकता रहेशे, तेमज रोड रस्तानी समस्यानी प्राथमिकता वर्तमान समयमां रहेशे। पाणी सहित तमाम समस्याओ दूर करवाना प्रयत्नो करवामां आवशे तेवो संकल्पनो निर्धार कर्यो हतो। अंकलेश्वर उद्योग मंडळना 2023-24 वर्ष ना प्रमुख तरीके अंकलेश्वर नोटिफाइड बीजेपी प्रमुख एवं जसुभाई चौधरी विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार साथ पदभार संभाळ्यो हतो। आ प्रसंगे एआईएना प्रमुख वर्तमान होद्देदारों उद्योग अग्रणीओ विविध सामाजिक संस्थाना सभ्यों ने अंकलेश्वर नगरपालिका प्रमुख सहित भाजपना अग्रणीओ उपस्थित रहा था। सत्तावार चार्ज लेता जसुभाई चौधरीए जणाव्युं हतुं के वर्तमान समय में मारी प्राथमिकता नोटिफाइड रहेणांक तेमज जीआईडीसी विस्तार में मार्गनी रहेशे। आगामी एक सप्ताह में आ माटेनी कामगीरी शुरू करी रस्ता दुरुस्त करवामां आवशे। पाणीनी समस्या अंगे पाणीना नवा सोर्स तेमज हयात तरावनी सफाई करी ऊंडो करवामां आवशे, जेथी तेनी स्टोरेज कैपेसिटी वधशे अने उद्योग अने रहेणांक विस्तार में पाणीने पूरता प्रमाण में आपी शकाय। आ उपरांत उद्योगों माटे मंजूर थयेला कामों उपरांत वीज लाइन अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट सहित अनेक विविध विकासना कामों आगर वधारवामां आवशे। आ उपरांत उद्योग ने कनगट जीपीसीबी के पछी जीआईडीसी ने लगता प्रश्नों अंगे उच्च कक्षा तेमज लोकल लेवल पर रजूआत करी निराकरण करवा माटे तमाम प्रयत्नों रहेशे तेवो सूर व्यक्त कर्यो हतो। आ प्रसंगे पूर्व प्रमुख एनके नावडिया, महेश पटेल, रमेश गाभानी, पालिका प्रमुख विनय वसावा, संदीप पटेल, सुधीर गुप्ता, अल्पेश पटेल सहित आगेवानो अने राजकीय अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता। नमस्कार, अंकलेश्वर इंडस्ट्रीज एसोसिएशननी मैनेजिंग कमिटी, मारा सौ उद्योगपति मित्रों, दरेक समाज में पधारेला मित्रों बधाए मने ज्यारे आज अंकलेश्वर इंडस्ट्री एसोसिएशन प्रमुख पदनी पदे वरणी करी छे तमामनो खूब खूब आभारी छूँ। आजे भूतपूर्व प्रमुखों भी अंकलेश्वर इंडस्ट्री एसोसिएशन में घणा बधा कामों करेला छे, घणा बधा कामों तो पाइपलाइन में छे। खास तो अत्यारे एक रोड रस्तानी समस्या छे, अत्यारे चोमासामां अमे एने लगभग एकाद वीकमां कॉलोनी अने इंडस्ट्रीजना बधाज रोड रस्ता मोटरेबल थई जाय एवा प्रयत्नों करीशुं। पाणीनो बी जे प्रश्न छे એની પણ અમે ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરીશું અને પાણીનો સોર્સ પણ બીજો મળી રહે, તેમજ અત્યારે જે હયાત તળાવ છે એને પણ એનું જે ઊંડું કરવાની કાર્યવાહી છે એના માટે બી પ્રયત્ન કરીશું, જેથી કરીને આપણું સ્ટોરેજ વધે અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પૂરતું પાણી આપી શકીએ। એ સિવાય અન્ય જે નાના મોટા જીબીનું અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગનું બી છે એનું પણ કામની કાર્યવાહી ચાલુ છે, ટૂંક સમયમાં એ પણ કામ હાથ ધરાશે। એવા ખાસ જે પ્રશ્નો છે, મેઇન જીપીસીબી હોય કે સીપીસીબી હોય, નાના મોટા જે પણ કંઈ પ્રશ્નો હશે એનું ઉચ્ચ કક્ષાએ રજૂઆત કરીને લોકલ ઓથોરિટીને સાથે રાખીને અમે તમામ પ્રયત્નો આ કામ માટેના તમામ પ્રયત્નો ખૂબ સારી રીતે મેનેજિંગ કમિટી સાથે રાખીને ચોક્કસ પૂરું કરવાનું અમે કામ કરીશું। અને આ સાથે તમામ ઉદ્યોગપતિ મિત્રોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આવો જ સાથ અને સહકાર કાયમ માટે મને મળે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું।